जाओ, कोई पूछे तो उसे कह दो कि मेरे हजूर आ गए हैं, मेरी सरकार आ गए हैं। अब नारे ये लगाओ कि सरकार आ गए हैं, अब नारे ये लगाओ कि सरकार आ गए हैं। सारा जहां है सजा, सारा जहां है सजा, कोई पूछे कि ये है क्या, उसे जाके ये बताओ मेरी सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। महफिल सजी हुई है, रौनक लगी हुई है, अब अपनी पलकों को बिछाओ, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। किबला शाह साहब, मैं आपकी शेर पढ़ रहा हूँ और आपके समातों के नाम करता हूँ इंशाल्लाह। मैंने ये शेर खुद लिखा और खुद पढ़ा। मैंने कहा तेरे हुसन की क्या खूबसूरती है, तेरे हुसन की क्या खूबसूरती है। जब आप मक्का में थे तो मक्के वाले देखते रह गए, जब आप मदीने में गए तो मदीने वाले झूमते रहे। मेरी सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। तो मैं इन्हीं लफ्जों पे अपना कलाम खत्म करता हूँ और खिताब की दावत दे रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान, हुक्म शोला मियां, जनाब पीर तरीकत रहमतुल्लाह शरीयत, साहब अल्लाह शाह पीर सैयद मोहम्मद अहमद हुसैन शाह साहब तशरीफ लेके आते हैं और अपने किताब से हमारे दिलों को मुनव्वर करते हैं। कुतुब शाह साहब को ये नारा हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ने निकांते छत ना रखी, दो बेड़ियां विच लत ना रखी, बलिया नाल मत्था लाके नंगी तार ते हथ न रखे। महफल डाढ़ी साथी पई है, साढ़े दिलों नसत से आती पई है, जेड़े बेड़ी हो तुसी आपे नहीं बोलते पे, ये हक असर आती पई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी व मुर्शदी, सैयदी व मुर्शदी। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الله عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مغفرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شبر الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب العالمين. الله تعالى خالق الكائنات پروردگار عالم جل شانہ جل مجدہ الکریم
परवरदिगार बंदहु ला शरीक दे फजल व करम और परवरदिगार दी अता करदा तौफीक व हिम्मत दे सहारे तुसी ते मैं सारे ताजदारे कायनात नबी मुकर्रम सरकार मदीना जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार दे जिक्र मुबारक की महफिल मुबारक विच हाजिर दुआ अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाजिरी कबूल फरमाए आमीन। पहले नात खान हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे अंदाज विच आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक सलाम दे खानदान मुबारक अहले बैत दे मुबारक कर रहे सन और इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक ने बानिया ने महफल मोहतरम मोहम्मद अमीन साहेब और बतौर खास उनका बेटा मोहम्मद वकास और तुसा अहबाब अहले महला जिन्होंने इस महफल का इस्तेमाल किया और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक विच अपनी मोहब्बत का तोहफा पेश किया। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकानी हमीद विच आयत शरीफा तिलावत की है बिला तमहीद अल्लाह की जात ने इरशाद फरमा दिता वरफाना लका जिक्र सोने असी तुहाडे जिक्र नूं बुलंद करदे हां। सुभान अल्लाह। साडी खुशी दी महफल है दोस्तों। सुभान मिलाद दे बाद साडी खुशी दा दिन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दी खुशी दे विच महफल है। इस वास्ते खुश होना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। इस महफल विच खुश होना भी इबादत है और शरीयत दा मसला भी यही है कि खुशी वाले कार खुश होवो। खुशी वाले कार खुश होवो ते जिन्ना दी कार फौतगी होवे उत्थे हसो ना उन्हां दी गमी विच शरीक होवो उन्हां दे गम विच शरीक होवो ते खुशी वाले कार खुशी दा इजहार करो। इस कायनात दे अंदर जितनियां भी खुशियां ने सारिया खुशियां नालों सब तो वड्डी खुशी सरकार ने आउंदे खुशी है। सुभान अल्लाह। अंदर कोई ऐसा इंसान ईमान वाला ते काम का मौजूद नहीं होवे ईमान वाला ते सरकार दे आउंदे खुशी ना होवे ऐसा हो सकता नहीं। अहले हदीस हजरात दे बाबे ने बहुत बुजुर्ग फौत हो गए ने मुहद्दिस उन्होंने लिखे अपनी किताब अश्शमामतुल अंबरिया विच कहंदे ने गल बड़ी प्यारी की उन्होंने कि जिस बंदे नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आउन दीआं गल्लां सुन के आप सरकार दी तशरीफ आवरी दीआं बातां सुन के आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाकियात अहवाल जलवा गरी दे सुन के दिल च खुशी ना आवे ओह बंदा ईमान वाला हो सकदा नहीं। इस वास्ते ऐ खुशी दी महफिल खुश होके बैठो और याद रखो इस कायनात के अंदर जेड़ी शान अल्लाह दी जात ने तुहाडे ते मेरे आका नूं अता फरमाई है किसे नूं अता नहीं। अल्लाह ने फरमाया सोणिया तुहाडा जिक्र असीं बुलंद कर दिता है। सुभान अल्लाह। और फिर होर भी बात सुनो जितने भी लोग दुनिया के अंदर मौजूद ने पहले आदमी पैदा होंदा उस तो बाद उसका चर्चा होता है बच्चा पैदा होया मेहनत की डॉक्टर बनया डॉक्टर बाद पैदाइश करना बच्चा पैदा होया इल्मे दीन पढ़िया आलमे दीन बनया चर्चा बाद बच्चे की पैदाइश करना बाद चर्चा होता है सिफत का इजहार होता है खूबी बयान होंगी बाद कुर्बान जाइए इस कायनात के अंदर तुहाडे ते मेरे आका दी शान पैदाइश बाद विच होई है चर्चा पहला होंदे सुभान अल्लाह।
पैदाइश सरकार दी मक्के हुई है, लेकिन कुर्बान जाइए नबी पाक इस्लाम तो पहले 1,24,000 अंबिया तशरीफ ले आए। हर नबी ने अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद का बयान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, ते नाल नाल सोने की तशरीफावली का भी ऐलान किया। अज किस वास्ते बैठे हैं? जैसा कि नकीबे महफिल आपकी बात करके गए ने, कहते कि सरकार आ गए, सरकार के आने की बात की है ना, सरकार के आने की बात करना, सरकार की तशरीफ आवरी की बात करना, सरकार की जलवा करी की बात करना, सिर्फ साडा वजीफा नहीं है, बल्कि नंबर एक पे अल्लाह का वजीफा है। कुरान पढ़ो, अल्लाह की जात ने कुरान में इरशाद फरमाया, लकद कद जाअतुम रसूल, तुहाडे को रसूल आ गए, तुहाडे को रसूल आ गए, कद जाअतुम मिन अल्लाह नूर, तुहाडे को नूर आ गए, लकद जाअतुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहिम मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ रहीम, तुहाडे को सोना रसूल आ गए, सुभान अल्लाह, रसूल आ गए। इस वास्ते से कहने हैं हुजूर आ गए, सरकार की विलादत तो पहले ऐलान किया भाई साढ़े तो बाद आ रहे हैं, साढ़े तो बाद आ रहे हैं। ईसा अलैहि सलाम का फरमान कुरान ने बयान फरमाया, वब बशरम बे रसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि ऐ लोगो मेरे तो बाद वो रसूल आ रहे हैं। सारे नबियों ने ऐलान किया वो रसूल आने वाले थे, वो रसूल तशरीफ लाने वाले थे। असी महफल सजा के, असी दोस्तों को बुला के, स्पीकर ला के बबांगे दोहरे ऐलान करने के, लोगों जिन्ना दे आन दियां बशारतां, जिन्ना दे आन दियां खुशखबरियां नबियां ने दित्तियां के आ रहे ने, असी ऐलान करने आ गए। मैं नात
पढ़ रहे हैं सरकार का रौजा मुबारक के खाब एनात पढ़ रहे हैं तो सरकार पिछू तशरीफ ले आए तो मेरे मोढ़े से हाथ रख दिया बंदा नाच पढ़े चर्चा करे जिक्र करे हजूर आ गए ने तो फिर सरकार चलो चंद गल नहीं कहना उची बोलो आस्था बोलो हाथ कोई जरूरत नहीं बस खुश होके बोलो नबी पाक इस्लाम की विलादत को हजार साल पहले का वाक्य है सुभान अल्लाह कितने साल पहले हजार साल पहले 1000 साल पहले सरकार की पैदाइश मुबारक को यमन का बादशाह तुबा उसका नाम उन्होंने अपने वजीर मशीर इकट्ठे किए उन्होंने मेरा दिल करता मैं जमीन की सैर करा जमीन की सैर करा बादशाह से उसका ख्याल आया अपने नाल 400 उलमा की जमात लई इको थोड़ी बंद कर ला बहुत ही इको नुकसान कर 400 उलमा की जमात सियाह शुरू की थी उलमा नाल वजीर नाल लाओ लश्कर नाल सियाह करदा 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 मदीने आ को हुस्न सुभान अल्लाह ओदों मदीना सरकार के शहर का नाम नहीं सी यसरिब सी किसी बोलो यसरिब सी मदीना तो फिर सरकार से आना यसरिब इत्थे आए एक दिन रहे दो दिन रहे तीन दिन रहे बादशाह ने कहा चलो चली उलमा ने कहा कि बेलिया गल है वे तू साडा बादशाह है तेरी गल असीं मनने आ लेकिन असीं इत्थों जाना तू जाना ते जा बादशाह ने कहा यार चंगी करो मेरे नाल तू मेरे नाल चल रहे हो मैं तुहाडी खिदमत नहीं कीती फिर दसो मेरे को नाराजगी मेरे नाल तो फिर दसो मैं खिदमत नहीं करता फिर दसो मसला की है उन्हें कहा जी मसला हो रहा है असी किताबा पढ़िया ने ते ऐ शहर नूं वेख्या है किताबा दसदियां ने कि नबी आखिर जमान ना जड़े उन्होंने इत्थे तशरीफ लियाना सुभान अल्लाह इत्थे हिजरत करके आना है ते इत्थे डेरा लाना है आखिरकार हुकूमत दे मामला तुहानू पता है बड़े लंबे चौड़े होंदे ने उन्हें कहा कि इस तरह है कि चलो तुसी जे रहना है ना तो तुहानू इस तरह नहीं मैं रहन दिंदा उन्हें कहा मकान बनाओ जिन्ने उलमा उन्ने मकान 400 उलमा दे 400 मकान बनाए ते एक मकान विच सरकार दा बनाया सुभान अल्लाह सारे मकान मकान डबल स्टोरी नहीं जेड़ा सरकार दा बनाया ना उच्चा ते सोना डबल स्टोरी बनाया सुभान अल्लाह ते उलमा नु कहन लगा बेलियो गल है वे अगर सरकार जिन्ना दा जिक्र कर रहे हो मेरी जिंदगी विच आए मैं इंशाल्लाह सरकार दी बारगाह च हाजिर होऊंगा ते अगर मेरी जिंदगी ने वफा ना की थी, मैं फौत हो गया ते मेरा एक खत ला लो मैं खत लिख के देना ओ बैठ लो मैं खत लिख के देना ओ खत सोने की बारगाह च पहुंचना चाहिए उन्हें खत लिखा
तुब्बा बादशाह की तरफों जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर जमान की तरफ सरकार तुहाड़ियां शाना सुनिया ने तुहाड़ा जिक्र मुबारक सुने है ते तुहाडे ते मैं गैबाना ईमान लैंदा है सुभान अल्लाह। सरकार अगर मेरी जिंदगी में आए तो मैं तुहाडी बारगाह च हाजिर होवांगा, अगर सरकार मैं फौत हो गया तो बाद में जो तुम तशरीफ लियाओ तो तुहाडी बारगाह च खत मेरा पहुंचे तो सरकार मैनु याद करना सुभान अल्लाह। क्यामत वाले दिन सरकार मेरी शफात कर दे सुभान अल्लाह। मैं खत लिखा उलमा का जरा सरदार सी ना आलिम हैड उन्होंने दिता तो यह खत अगर तेरी जिंदगी में सरकार आन उन्होंने बारगाह पहुंचे, अगर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है कोई पता नहीं कितों मर जाना तो लेकिन वसीयत करके जाना अगली नस्ल में यह खत आखिरकार सोने की बारगाह पहुंचना चाहिए। सरकार तो कितने साल पहले बोलो एक हजार साल पहले की बात है। बादशाह चला गया, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, मदीने सरकार तशरीफ ले पहला तो सरकार मक्के पैदा होए ना को सुभान अल्लाह मक्के पैदा होए सरकार ते 12 रबी लवल दिन पीर दा सुभान अल्लाह 12 रबी लवल दिन पीर दा साडे कहंदे पीर दा दिन पीर दा कोई पीर दा दिन क्यों है पीर क्यों कहंदे नु पीर दिन ते सुमार है ते पीर क्यों कहंदे हो इस वाच पीर जो आए सुभान अल्लाह ओ पीर जो आए सरकार आए कायनात दे पीर आए बल्कि पीर नहीं आए पीर बनान आए सुभान अल्लाह पीर बनान आए सरकार अल्लाह हू अकबर ते जेडे वेले विच आए वेला नूर पीर दा सुभान अल्लाह मेरे को नूर पीर जिस वेले विच अल्लाह दा नूर जग दे पीर आए जिस दिन आए उस दिन पीर बना छड़िया जिस वेले आए उस वेले पीर बना छड़िया नूर पीर का वेला जो सुभान सरकार तशरीफ लाए कायनात अल्लाह ने रंग ला दिते सरकार की विलादत तो पहले मक्के अंदर कहत भुख घा को नहीं सबला को नहीं हत्ता के जानवर उन्हों का गुद्दा भी खुशक हो कहत शाली का आलम तो सरकार आए अल्लाह ने मीह पाते रौनक लग गई हर बंदा रज के खान लग पाया जानवर उन्होंने इतना घा इतना चारा उन्होंने दा फरमाया जनाब पल गए उन्होंने जिसम चर्बी बाहर निकल लग पी अल्लाह ताला ने इतना कायनात रंग ला दी सरकार आए रहमत बन के आए करम बन के आए बीमारों को शिफावां मिल गई नेरे दूर हो गए कुफर की तारीकी दूर हो गई अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की रौनक रोशनी अता फरमा दी। बार बार वक्त गुजरता रहा जो सरकार की उम्र 40 साल अल्लाह ने वही नाल फरमा दिया सरकार ने ऐलान किया अल्लाह ने फरमाया सुनिया हूँ ऐलान कर وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ہن اعلان کر دو کہ میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ ایک ہے اے بت جھوٹے نے بتاں نوں پوجنا نہیں سرکار نے بلا لیا کوہے صفا تے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا سارے اکٹھے ہو گئے جو اکٹھے ہو گئے نا جویں ہن کوئی مسئلہ ہوے نا اعلان کری دا سی تے اودوں سپیکر نشان ہوندے کوہے صفا تے ایک بندہ کھڑا ہو کے اعلان کردا سی واہ صبا आवाज देनी सारे मक्के ने खड़े होने को गल है बड़ी अहम सरकार ने ऐलान फरमाया सारा मक्का कट्ठा हो गया तो जो कट्ठा हो गया ना सारे तो सरकार ने फरमाया भी मैं इस वास्ते तुम्हें बुलाया जे मैं तुम्हें कहा इस पहाड़ के पिछों लश्कर आ रहा तुम्हारे से हमला कर देगा मान लोगे बिल्कुल मनांगे 40 साल तुसी साडे विच रहे हो साडे विच पैदा होए हो इत्थे तुसी लड़पन गुजारिया जवानी गुजारी
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਕੋਲੂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੀਰਤ ਅੱਲਾ ਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਲੜਕਪਨ ਸੀ ਆਪ ਦਾ, ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਬੂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਾਵਤ ਖਿਲਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਈ, ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਖਿਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ। ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਖੂੰ ਖੂੰ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਸਨ ਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇ, ਮਾਰ ਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਇਲਿਆਂ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਖਤ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਨੂੰ, ਹਬੀਬ ਜਮਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੇਲੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫਿਤਨਾ ਅਸਤਾਫਰੁੱਲਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਦਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਖਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ ਤੇ ਨਸ ਪੈਣਾ। ਯਮਨ ਚ ਖਤ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਧਨਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਯਮਨ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਾਦੂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਦੋ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਖਜੂਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਣਾ,
जे मैं उन्होंने कहना कि खजूर मैं हुणे बीजना तो हुणे ही उगे तो हुणे ही फल लगे तो मैं खावा तो कलमा पढ़ा खजूर है ना सह मैं तंदूर साड़ी है बस उतू एवे गिटकदार मौजूद ही सड़ गई है सारी ते सड़ी खजूर उगदी सड़िया कोई भी बी नहीं उगदा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸੜਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਬੇਟਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਲੇਕਿਨ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਮਰਜ਼ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਸ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਐ ਜੀ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਬੀਜਣਾ ਉਗ ਪਵੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਸਤੇ ਰਸਾਲਤ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਮਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੀਜ ਬੀਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਜ ਅਬੂ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦੇ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਟਕ ਫਿਰ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਐਵੇਂ ਮੁੱਤੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਉਗੇ ਆਪਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਆਈ ਪੱਕਾ ਫਲ ਡਿੱਗਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਿਟਕ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਿਟਕ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਸੂਰਜ ਧਰੂਈ ਫਿਰੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਧਰੂ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨੂ ਇੱਧਰ ਧਰੂਈ ਫਿਰੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਧਰੂਈ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਹਿਰਾਲ ਤੂੰ ਇਸ਼ਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬੂ ਜਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਕ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੌਣ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਧਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਬਜਾਉਣ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਟਾ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ
इज्जत जिन्हों अल्लाह दे अल्लाह इज्जत वो होंगी जिन्हों बाकी दुनिया के इज्जत झूठिया इज्जत ने चौधरी होंगे ना एम पी ए बन गया मैंने सारे चौधरी साहब इधर जब्बिया पाता उधर जब्बिया पाता चौधरी साहब उठे नहीं हो पिछ गाल शुरू हो जाए बड़े परेशान ने आपने फरमाया असी तो किसी परेशानी किसी मारिया होने कुटिया कोई गल की असी तो परेशान करने वाले नहीं हां ए करते ने मारते भी नहीं कुटते भी नहीं पत्थर से भी लटा धूं भी देंगे ने पगा भी लटा सब कुछ करते हैं मार कुटाई यह करते अब तक किसी ने किया ही नहीं जी सरकार आखिर तो मसला तो फिर है ना गल की है आखिर मैं गल बस यही तारीख दसदी है जितने अंबिया आए अल्लाह मोजे भी देता बोलो ईसा अलैहि सलाम अन्ने हाथ लाना अखा ठीक हो जाने घोड़े के जिस्म से हाथ लाना घोड़ा ठीक हो जाना नहर आ गई है दरिया आ गया पानी तू तर के लंघ जाना तुर के लंघ जाना यह मौजदा था मिट्टी का एक लैना मूरत बनानी मिट्टी जाए मिट्टी गो के इस तरह करके ना परिंदा जहा बना के फूक मारनी उन्हें परिंदा बन के उड़ जाना सरकार तारीफ दसती है जितने अंबिया आए गए उन्होंने मौजदा मिलते सन थोड़े को मौजदा है वह गल चली ना वो जल थुड़क गई अपनी पुरानी उन्हें क्या वही गल हो गई फिर मोजे तो मैं रोकता थी फिर उस पास तुर पाया चुप कर दिखा एक बार जी मोजा अपना कि ठीक है बिल्कुल उन्हें कह जी कि रात का टाइम शाम का चंद निकले है चंद तुर तुर के हो जाए चंद चंद टुटे हो गए आपने दुआ फरमाई इशारा फरमाया चंद दो टुटे हो गए मक्के एक साइड इधर चला गया था इधर चला गया सरकार ने फिर इशारा फरमाया उन्होंने तो पता लग गया कि हम काम साडा तो खराब हो गया फिर हबीब यमन ने कहा कि सरकार ठीक है टिड्डो मन गया कि अल्लाह के सच्चे वो मन गया क्या सरकार एक होर भी गल है तो गल हो जी मैं दसनी नहीं तुम दसो मेरे ढिड की है मेरे दिल च की गल है मैं की पूछना चाहना मेरी कहड़ी ख्वाहिश है वह तुम दसो की है उन्हें कहा जी मेरे दिल की है मैं की चाहना आप मैं तेरी धी है वो मजदूर है वो पैदाशी तौर पर मजदूर है टुर नहीं सकती चल नहीं सकती काम काज नहीं कर सकती तेरे वास्ते परेशानी का बड़ा सबब है तो तियां का पराया तंग हों तेरे दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह उन्होंने शिफा दे दे जा अल्लाह ने उन्होंने शिफा देती है सुभान अल्लाह इस्तेमाल किया लेकिन सरकार जेड़ा मनदा वापस जांदा नहीं बुगज़ विच होर गुस्से च कुटदे ने मारदे ने आखिरकार अल्लाह ने फरमाया सुनिया बेईमान नहीं ना मनदे तू अपने मनन वाले कह के तुसीं हिजरत कर
कोई हबशे चला गया, कोई मदीने चला गया, जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया सोने हूँ तू ही हिजरत कर जा। कंध पिछे इधर साढ़े काबा है, मक्का इधर है, जिधर असि मुँह करके नमाज पढ़ने उधर की मक्का। ऐ कोने विच सरकार दा रौदा पाक मदीना पाक है, पाकिस्तान के हिसाब नाल इधर मक्का है, इधर अगर कोने वाल मुँह करके बही ना इस तरह कोने नुक्कर पाक सामने साढ़े मदीना पाक। अच्छा तो नबी पाक ने मक्के इधर मदीने जाना से ते नबी पाक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बजाय इधर सीधे राह जान दे सरकार ने इधर हिजरत की। उत्तों लंबा जरा सफर से ना वह सरकार ने इख्तियार फरमाया, दूर दराज का रास्ता इख्तियार फरमाया। अल्लाह का हुक्म से खबर पहला पहुंच गई विचों मदीने कि सरकार आ रहे ने। कहो सुभान अल्लाह गल हुई हुजूर आ गए। सरकार इधर चले गए उतों नहीं जाना सी हुण मदीने वाले लान सुभा उठते ने ओ राह जिस राह विचों सरकार ने आना सी मक्कियों राह आना सी मदीने उस राह ते खलोना इंतजार करते रहना सरकार आए नहीं सरकार यार आए नहीं सरकार अज नहीं आए शाम हो गई अजे नहीं आए ते फिर वो वेला आ गया। तो दूर का रास्ता फासला तय करते सरकार पहुंचे मदीने। सरकार पैदा हुए 12 रबी अल सवार का दिन, मदीने पहुंचे 12 रबी अल सवार का दिन। इतफाक देखो 12 रबी अल सवार का दिन मदीने आ रहे चा चढ़ गया। सुभान अल्लाह जिन्ना दी तांग पूरी कायनात रख ली है वो साडे कोल तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह अल्लाह दे जेड़े मेहमान ने मदीने वाले दे मेहमान बन गए। सुभान अल्लाह चा चढ़ गए मदीने दी बच्चियां निकलियां छोटी छोटी बच्चियां हत्थां च दफ फड़ ली दफ दफ बजांदियां ने बच्चियां सरकार का इस्तकबाल करके पढ़ दिया ने की पढ़ दिया ने तो अल बदरो बच्चियां दफ जा रही ने नाता पढ़ रही ने पूरा मदीना बाहर निकले है गलियां पुर बाजार पुर रस्ते पुर हो गए ते जिन्हां नूं थाना लगी उह छत्तां ते चढ़ गए। सुभान अल्लाह फौकल बियूत मर्द ते औरतां छत्तां ते चढ़ के ते बच्चे रस्तियां विच नसदे फिरदे ने खुशी नाल जिवें साडे नहीं है। सुभान अल्लाह मैं बिलाशीन ते बड़े जिथे भी देखिया ना बच्चे माशाल्लाह उत्ते पाला होंदे। यानी सरकार दे इस्तकबाल वास्ते बच्चियां दी तारीफ बड़ी पुरानी है। मदीना पाक होया ही मंजर बच्चे जनाब इधर नसदे ने कोई इधर नसदे ने कोई इधर नसदे ने ते करदे की ने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जनाबुना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह दे नारे वजन दे ने। हुण तुसीं गौर नाल मंजर देख करना है सरकार आ रहे ने बच्चियां खुशी नाल नाता पढ़ रही ने हर पासे जनाब रश लगा ते नारे बजन डे ने या रसूल अल्लाह दे एवें लगदा ये सुन्नी महफिल मिलाद मना रहे ने। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जे मैं कहूं मैं तेरे घर जाना है ते इधर नहीं जाना ते दिल नु ठेस ही पहुंचे। आपने फरमाया जिहड़ी दाची ते मैं खुद बैठा ना नापाती मां मुरा तो ऐ डाची नु पता है इन्हें किथे जाना है। सुभान अल्लाह अल्लाह इन्हें दस दिता इन्हें किथे जाना है ते तुसी बिछाड़ जो जिथे डाची जाएगी ना अल्लाह दे हुक्म नाल मैं उथे जाना। जो दावतां दे रहे ना सारे साहबा सरकार मेरे घर सरकार मेरे घर सरकार मेरे घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी बिच्चे सन उन्हें देखे ने तो हालात सारे साहबा बड़े बड़े जिहड़े दावतां देण डे
मेरी किस्मत कितों के मेरे घर सरकार आ अल्लाह अकबर वो निकले तो घर जाके सजदे च पै के रोना शुरू कर या अल्लाह मेरी अर्ज़ तेरे के सोना मेरे घर आ जाए मेरी किस्मत कितों या अल्लाह मेहरबानी कर मेरे घर सोना आ जाए दुआ शुरू कर दी जो रोना हो ना तो रोना कबूल हो जाता है सुभान अल्लाह रोना कबूल हो जाता है जिते पानी बगदा ना खाने विच पानी ओथे का बीजीदा का नहीं बीजीदा भी उग पंदा ते जिथु रोना होवे ना अल्लाह दी रहमत ओथे बस पंदी है फिर सुभान अल्लाह पानी ते सबदा आ जांदा है रोना होवे ओथे अल्लाह दी रहमत उग पंदी सुभान अल्लाह अबो यूं सारी दा रोना कबूल हो गया सरकार उपर फरमाता भी डाची छड़ दो पुराने हूँ डाची चल रही है हजरत अबू यूब अंसारी का घर है वही घर से जो तुब्बा बादशाह ने बनाया है वही घर से जो नबी पाक की विलादत को हजार साल पहले तुब्बा बादशाह ने बनाया थी वही घर से सरकार ने डाची उस घर के बूहे अगे जाके बह हजरत अबू यूब अंसारी को पता लगा ओहो चाह चढ़ गए थे साहबा ने बारे ओ अबू यूब अंसारी तेरी किस्मत तू कुर्बान अल्लाह का महबूब दे घर में आ गया सुभान अल्लाह हजूर आ गए मदीने विच डबल मंजिल सी उस वेले तुबा बादशाह ने सरकार वास्ते बनाया सी सुभान अल्लाह ते अबू यूब अंसारी अर्ज करदा सरकार तुसी ना उतली मंजिल ते तशरीफ लै लो मैं थले रहांगा ते तुसी उत्ते तशरीफ लै सुभान अल्लाह आपने फरमाया यार गल लै गए पूरा मदीना ते मिलना होंदिया सानू देखदा नहीं बाहर पूरा मदीना ते हर बंदा उत्ते चढ़े थले आवे उत्ते चढ़े थले आवे ते मुशक्कत है ते तुसी उत्ते चलो ते असी थले पवांगे सुभान अल्लाह अदब है लेकिन जो हुक्म हो गया फिर अदब थले में तो हुक्म उत्ते हो जाता है हुक्म मनना जरूरी है पर मैं कि तुसी उत्ते चलो ते थले साडा डेरा होए ते अबू यूब अंसारी दा अदब देखो उत्ते छत उत्ते फिर टुरदे नहीं सन ਸਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਅਦਬ ਦਾ ਪੈਕਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਣੇ ਤੇ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਲਾਮ ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤ ਤੁਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਕੇ ਆਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਹੈ ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਮਜ਼ਾਫੀ ਕੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਤੇ ਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਤ ਲਿਆ। ਅਬੂ ਲੈਲਾ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਗਿਆ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਦਾ 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 ਉਹ ਖਤ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅਬੂ ਲੈਲਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੈਲ ਡਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਬਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ, ਤੁਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ, ਤੁਬਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਤੁਬਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਬਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਬਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਖਤਮ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਦੋ ਇਤਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲਾਵਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਾਰ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.